कॉरपोरेट सेक्टर के बीच हो रहे ऊर्जा कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में आज रोमांचक मैच देखने मिले। गेटको द्वारा होस्ट किए जा रहे ऊर्जा कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इन मुकाबलों में पहली भिड़ंत GSECL और SR की टीमों के बीच हुई, जिसमें GSECL की टीम ने 18 रनों से मैच जीत लिया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में HDFC और GNFC के बीच मुकाबला हुआ। इस मैच में GNFC की टीम ने 3 विकेट से जीत हासिल की। इसी बीच पट की गेंद, उसको पुल करना चाहते थे, ठीक से बैट पर आई, फिर से यहाँ रेड स्टंप की ओर, और LBW की अपील सफल होकर लेग साइड खेलना चाहते थे और LBW हो गए। शॉर्ट बॉल, उसको पिक कर दिया, बहुत ही फील्डर, इसी बीच यहाँ पर एक और बाउंड्री, चार रन शेष बाकी, और यहाँ पर GNFC ने ये मुकाबला जीत लिया है।